हैं कैंटीन कुछ ग्रोसरी का सामान लेने, और मेरे साथ है मेरी मम्मी, और अभी मेरे को रास्ते में मिलेंगे, मेरा एक छोटा भाई है वो मिलेगा, वो हमारे साथ जाएगा, तो अभी एक बार रास्ते में एक बार उसे पिकअप करना है, उसके बाद फिर हम जाएंगे कैंटीन। लेकिन उससे पहले अभी एक बार फिल करा लेते हैं पेट्रोल, अभी हम पेट्रोल पंप पे हैं। और ये डीजल का रेट हो गया है 96.9, ये आ गया। राम राम आ गया भैया। हाँ भाई, मैंने नया फोन लिया है। अरे वाह, परसों लेकर आया हूँ। कौन सा लिया है तू बता, कौन सा है पहचान? पता नहीं भाई, इतनी पहचान नहीं है फोन की, लेमिनेशन तगड़ी है। वन प्लस लिया मैंने। यो तू कह रहा था भाई दूंगा, दूसरे वाला फोन कहाँ है तेरा? वो एप्पल वाला मैंने दे दिया। दे दिया भाई, नया फोन लाया आज ये भाई, और पार्टी देगा। कितने का लाया? यो 17,000 का। सही है। 128। और कैमरा कितना है? कैमरा 50 मेगापिक्सल। पानी के दुआ दे। देखो हम कितने खतरनाक रास्तों पे से जा रहे हैं। उड़े देखे तो ऊपर कर पीछे देख, खेता के रास्ते हैं भाई, है खेता के रास्ते, ये जो शॉर्टकट वाले रास्ते हुए अगर भी है ये देख भाई, खेत जितनी नजर जाते हो सारे किले अपने यार भाई, तुम सोचते हो जितनी नजर हो याडे के भी, अरे याडे के भी 12 किले है भाई हमारे याडे। ये भाई खड्डे, एक बार गाड़ी फंसी थी ना यहाँ, हम बारिश के मौसम में जा रहे थे जब यहाँ गाड़ी फंसी थी। अरे जब तक हमारी गद्दी गाड़ी डूब गई थी, इंजन ऑयल भर गया था रेता। अब फाइनली हम पहुंच गए कैंटीन में, बस पहुंचने वाले हैं। कौन सी कैंटीन है ये? आईटीबीपी की कैंटीन है। फाइनली अब ये रास्ता थोड़ा सा ठीक आया है, और यहाँ है यहाँ एंट्री। फाइनली गाइस अब हम कैंप के अंदर पहुंच चुके हैं, और अब हम गाड़ी की एंट्री करवाने के लिए गया हुआ है भाई वहाँ पे। एक बार ले सीटी दिखा दे, एक बार एंट्री कैसे कर रहे हैं अंदर। यहाँ ये पीछे एंट्री करा रहे हैं, यहाँ का एंट्रेंस एरिया। भाई अब फाइनली अंदर पहुंचने वाले हैं हम, फाइनली पहुंच गए। यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी है। रख दिया दूसरा। ये हो गया भाई हमारा सामान, ये रहा। इनकी बास्केट दे दे। गाड़ी भी भरी पड़ी है भाई सामान की, ये लो। चलो भाई ले आओ, दे आ ट्रॉली वापस, दे आ। कैंटीन से तो सामान हो गया, अब दूसरी कैंटीन में जाना है। हाँ पानी की, यहाँ मिलेंगे सारे स्पाइसेस और दाल। तो भाई अब हमारा सारा सामान हो गया, आगे भी सामान है और ये पीछे पूरी डिग्गी सामान से भरी हुई है, और अब हम जा रहे हैं घर। और अब फिर से वही खतरनाक रास्ता, फनी रास्ता भाई, इन दोनों की बातें खत्म नहीं होती। इन्हें अकेला एक कमरे में छोड़ दो ना, अपनी खत्म होती नहीं, दूसरे की सुनते नहीं भाई। कोई बोलता रहो, इन्हें कोई मतलब नहीं है किसी से, बस दो अकेला छोड़ दो इन दोनों को, है ना। इतिहास है तेरा, एक बार ये आके गाड़ी दिखा देने। ये है हमारी आज की शॉपिंग सारी। तो भाई अब हम घर आ गए हैं इतना सारा सामान लेकर। तो अभी मैं इसका बिल देख रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी बताती हूँ। तो ये सच है कि हाँ, जो कैंटीन में जो सामान मिलता है वो मार्केट प्राइस से काफी कम रेट है उसका। तो अभी जैसे मैं देख रही थी, ये हार्पिक देख रही थी, तो ये 1 लीटर हार्पिक है, इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 195, और ये वहाँ से मिला है 142 में, मतलब काफ़ी डिस्काउंट है वहाँ। और बाकी एक दो चीज़ें और दिखाती हूँ,
ये है ग्लूकोस ग्लूकोन डी और इसका प्राइस है 170 और वहाँ से मिला है हमें 127 का, मतलब इसमें भी काफ़ी डिस्काउंट है। और दिखाती हूँ, मतलब जो सामने रखा है मैं कुछ कुछ वो सामान दिखा रही हूँ अभी। और एक ये लिया था हमने वाइपर, मतलब इसका जो प्राइस था वो था 260 और वहाँ से ये हमें मिला है 172 पे, तो ये भी काफ़ी सही है, मतलब रीजनेबल प्राइस है। और एक हमने ये सर्फ लिया था, इसका जो प्राइस था वो था 825 और वहाँ से ये हमें मिला है 571, तो डिस्काउंट आप देख सकते हो कितना है। और बाकी इसके साथ 5 kg के साथ एक ये टब था वो फ्री है। तो अब मैं इसमें एक एक चीज़ तो पढ़ के बता नहीं सकती आपको क्या क्या है, बट हाँ ये मैं बता सकती हूँ कि मतलब जो मार्केट प्राइस है, प्रिंट रेट है, उससे काफ़ी कम प्राइस में वहाँ मिल जाती हैं चीज़ें, तो हाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है वहाँ। तो आज का मेरा एक्सपीरियंस वहाँ बहुत अच्छा था। भाई आज मेरी मम्मी थोड़ा सा टेंशन में हो गई, और उसका रीज़न क्या है मम्मी? दूध था हमारा बाहर और वो दूध फट गया, अब मम्मी उस दूध से बना रही हैं पनीर। अब हम इसके बाद करेंगे खाने की तैयारी, रात को डिनर की तैयारी। अभी हमने सोचा है कि हम बहुत थक गए थे और हमारा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो हमने खाना भी ऑर्डर कर लिया है बाहर से, तो बस खाना खा के आराम से सोएंगे क्योंकि आज हम बहुत थक गए। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है बाहर भाई, कुछ कह नहीं सकते, और बस आज थकान इतनी ज़्यादा हो गई, तो इसलिए हमने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया, तो अब वो खाएंगे। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप सब लोग अपना ध्यान रखो। और भाई मैं तो मेरे लिए ग्लूकोन डी ले आई, और आप भी अपने लिए लेके आ जाओ क्योंकि काफ़ी अच्छा एनर्जी ड्रिंक है ये, तो अपना ध्यान रखो आप सब। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।